दोस्तों, स्वागत है आप लोग का एक नई वीडियो में। इस समय हम लोग पहुंच चुके हैं टॉय ट्रेन में और कालका शिमला रेलवे स्टेशन में। ये पूरा रेलवे स्टेशन है, यहाँ पे कुल मिला के 6 प्लेटफॉर्म है। 4 प्लेटफॉर्म जैसे नॉर्मल होते हैं वैसे इस तरफ आपको दिख जाएंगे, और शिमला के लिए अलग से 2 प्लेटफॉर्म बनाए हुए हैं। 4 नंबर इधर हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 नंबर इधर हैं। ये पूरा प्लेटफॉर्म बना हुआ है शिमला के लिए अलग से। कालका शिमला अगर आप जाना चाहते हैं तो उसके लिए ये प्लेटफॉर्म बना हुआ है। इसकी टिकट जो पड़ेगी आपको नॉर्मल जनरल की 50 रुपये पड़ेगी। बाकी स्पेशल ट्रेनें चलती हैं उनकी टिकट अलग अलग है। 3 ट्रेनें चलती हैं, किसी की 310 है, किसी की 500 भी है, 450 भी है। जो भी ट्रेन आप लेना चाहें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन नॉर्मली अगर आप ज़्यादा स्पेशल ट्रेन में नहीं जाना चाहते, नॉर्मल टॉय ट्रेन है, अच्छी ट्रेन है, अभी दिखा रहे हैं चल के, तो उसकी टिकट आपको 50 रुपये पड़ेगी यहाँ पर। तो 50 रुपये में आप कालका शिमला घूम सकते हैं। इसकी डिस्टेंस लगभग 90 किलोमीटर है, लेकिन ये पहुँचाती है लगभग 7 से 8 घंटे में ऐसे ही, क्योंकि पहाड़ी इलाका तो धीरे धीरे चलती है। कालका शिमला पूरा रेलवे स्टेशन है बना हुआ, आइए उधर से दिखाते हैं। पूरा ट्रेनें खड़ी हैं वहीं भी, और बाकी जो ट्रेनें जाने वाली हैं वो ट्रेनें भी खड़ी हैं वहाँ पे, तो ट्रेनें भी खड़ती हैं। ये है पूरा कालका शिमला रेलवे स्टेशन, काफ़ी अच्छा बनाया हुआ है। अलग से चेयर एयर है वो थोड़ा VIP टाइप की डाली हुई है, ताकि थोड़ा लुक आए अलग टाइप का। तो अभी इधर से दिखाते हैं जो ट्रेनें हैं सारी। पूरा बैठने के लिए बना हुआ है यहाँ पे, जो अगर आप रुकना रुकना चाहें तो। लेकिन एक चीज़ बता दें कि जो टॉय ट्रेन है उसमें चार्जिंग वार्जिंग की व्यवस्था नहीं है बिल्कुल। तो अगर आप टॉय ट्रेन में जा रहे हैं, अगर आपको फ़ोन ऑन चार्ज नहीं या चार्ज वार्ज करना चाहते हैं, तो इधर रेस्ट रूम बना हुआ है, यहाँ आप चार्ज वगैरह कर सकते हैं पहले से ही। फ़ोन ऑन चार्ज करके जाइए, क्योंकि वहाँ पर जो ट्रेन है वो नॉर्मल ट्रेन थोड़ी अलग है, अभी दिखाएँगे आपको। तो चार्जिंग की व्यवस्था नहीं है। जो मेरी ट्रेन है प्लेटफॉर्म फॉर्म नंबर 5 पे खड़ी है, लेकिन आपको थोड़ा उधर साइड दिखाते हैं जो और ट्रेनें भी खड़ी हैं, लेकिन लगातार ट्रेनें जाती हैं। पहली ट्रेन रात को 3:30 बजे से चलेगी, अभी रात के 1 बजे हुए हैं, तो रात के 3:30 बजे से चलेगी और दोपहर के 2 बजे तक चलती है यहाँ से कालका शिमला। और शिमला से अगर आप कालका आना चाहते हैं वापस, तो आपको लगभग 6:30 बजे तक ट्रेन जो है शाम को तक की मिलती हैं, लास्ट ट्रेन जो वहाँ से। तो यहाँ से अगर आप जाना चाहेंगे तो सुबह की ट्रेनें मिलेंगी, और वहाँ से अगर आना चाहेंगे तो रात मतलब शाम की ट्रेनें। यहाँ से सुबह से जा सकते हैं कालका से, और वहाँ से अंधेरा हो गया थोड़ा इधर से। ये सब ट्रेनें खड़ी हैं यहाँ पे, सब वहीं कालका शिमला के लिए ही हैं सारी ट्रेनें। कुछ एसी वाली हैं ये, तो वो अलग से हैं। अगर आप रिजर्वेशन भी कराना चाहें रिजर्वेशन भी करा सकते हैं। स्पेशल ट्रेन में जाना चाहें, जैसे मैंने बताया 350 रुपये टिकट है, तो उसमें भी आप जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो जैसे भी आप मर्जी है आपकी, आप जितना अच्छी तरीके से इंजॉयमेंट करना चाहते हैं। जैसे उधर जो फुल एसी ट्रेन खड़ी है तो वो एक्चुअली अलग है, वो कालका शिमला रूट के लिए नहीं है। लेकिन हम ये दिखाना चाहते हैं कि जैसे ये होती है फुल एसी वाली ट्रेनें, ये आपने देखी होंगी जिसमें बड़े बड़े खिड़की लगी होती हैं बड़ी बड़ी। तो अगर इस टाइप एक ट्रेन आती है तो जो स्पेशल ट्रेनें हैं उसमें बड़ी बड़ी खिड़की लगी है, ताकि आप लोग बाहर का नज़ारा देख सकें कि कैसा व्यू है पहाड़ का। तो अगर वो ट्रेनें आप लेंगे तो वो थोड़ी महंगी पड़ेंगी, 400-500 तक। तो आपकी यहाँ जो ये वाली ट्रेनें वो भी अच्छी हैं, अभी दिखा रहे हैं जो जनरल नॉर्मल लोग जो आते जाते हैं उनके लिए ट्रेनें हैं। वैसे एक प्रकार से टूरिस्ट भी जा सकते हैं, कोई वो रिस्ट्रिक्शन नहीं है। लेकिन एक बात बता रहे थे, मतलब अगर आप ज़्यादा से इन्जॉयमेंट करना चाहते हैं, ये एसी ट्रेनें दिखाते हैं हम आपको, तो ये थोड़ी महंगी पड़ेंगी आपको ये एसी ट्रेनें। इससे भी अच्छी अगर आप लेंगे जो स्पेशल ट्रेनें चलती हैं, जो कि शाम को चलती हैं यहाँ से 4:30 बजे 5:30 बजे इस टाइप से चलती हैं, वो ट्रेनें अगर आप लेंगे तो आपको थोड़ी महंगी पड़ेंगी। वो ट्रेनें कम से कम जैसे मैंने बताया 350 की सबसे सस्ती टिकट है, बाकी 450-500 जितने भी आप खर्चा करना चाहिए।
ये अपनी ट्रेन खड़ी है यहाँ पे, ये ड्राइवर साहब का है चलाने लाने वाला। ये बाकी ट्रेनों से जो चलाने वाला होता है उससे थोड़ा अलग है, आप देख रहे हैं बस वो घुमाने वाला बना हुआ है। ड्राइवर साहब के साथ में ये महिलाओं का कोच दिया हुआ है, ड्राइवर साहब ने अपने साथ महिलाओं का कोच पहले बनवा लिया है। इसके बाद जो एसी की और रिजर्वेशन वाली जो है, ये रिजर्व एसी की है, उसके आगे जो रिजर्वेशन है जो लोग कराते हैं तो उसके लिए है, तो वो अगर कराना चाहे कोई रिजर्वेशन वगैरह तो उसके लिए ये अलग है। और उसके बाद जो तीन चार जो भी डब्बे हैं वो सब नॉर्मल पैसेंजर के लिए, जनरल के लिए, ये रिजर्वेशन वाला। इसमें अभी घुस गए तो एक आदमी ने बताया कि वो आपके लिए बैठने वाला अलग से बना हुआ है। हमने कहा ठीक है, इसी ये वाला जो बना हुआ है सब बैठ चुके हैं अभी से, तो ये बैठने वाला अलग से जनरल के लिए 50 रुपये टिकट लगेगी आपकी। बाकी ये सब है, ये सब ट्रेनें खड़ी हैं, तो काफ़ी अच्छा बना हुआ है। ट्रेनें जो हैं ये डिलक्स फर्स्ट क्लास चेयर एसी लिखा हुआ है, तो अगर आप इसमें जाना चाहें तो इसमें भी जा सकते हैं। काफ़ी अब जो चलेंगे जैसे इन्जॉयमेंट करेंगे जो भी अच्छा लगेगा तो वो तो आपको बताएंगे ही। फिलहाल अभी अलग टाइप का स्टेशन लग रहा है और ट्रेनें भी जो व्यू दिया हुआ है वो भी अलग टाइप का लग रहा है थोड़ा, तो सही है। अभी फ़ोन थोड़ा चार्ज कर ले रहे हैं, यार फ़ोन चार्ज नहीं है। और बाकी आपको रास्ते में दिखाएंगे व्यू वगैरह और वहाँ चल के भी बताएंगे कि कैसा लगा ट्रेन की जर्नी। अगर आप इधर साइड आएँ कालका साइड, कालका हरियाणा में पड़ता है, हरियाणा का एक काफ़ी ठीक ठाक शहर है, तो अगर आप यहाँ आना चाहें तो कालका आएँ तो ये ट्रेन जर्नी ज़रूर ट्राई कर सकते हैं आप। अगर आपके पास टाइम नहीं तो आप सुबह ही यहाँ से चल दीजिए, आप शाम तक आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, एक दिन में घूम सकते हैं अगर आप घूमना चाहें तो। हम भी देखेंगे कि अगर एक दिन में ही बनता है तो एक दिन में आ जाएंगे, नहीं तो बस दूर यहाँ से 90 किलोमीटर, लेकिन यहाँ से टेम्परेचर या मौसम जो है काफ़ी चेंज हो जाता है। वेदर बताते हैं काफ़ी ठंडी वंडी पड़ेगी, तो अभी जाके देखते हैं कैसा क्या है। हमारे साथ तीन राजस्थानी भाई लोग भी हैं तो वो भी अभी चलेंगे, उधर आगे बैठे हैं। पूरा वापसी अगर हम मारेंगे तो वहाँ तक भी जाएंगे शायद हमारे साथ, देखते हैं कैसे क्या बनता है। काफ़ी लोग मिलते रहते हैं, ट्रैवलिंग आप करेंगे अलोन तो आप ये मत सोचिए कि अकेले सोलो ट्रैवलिंग कर रहे हैं तो कोई मिलता नहीं, आपको मिल जाएंगे लोग हर रूट पे, कोई ना कोई जाता हुआ मिल ही जाता है, तो आपसे खुद ही बातचीत भी करने लगते हैं। जैसे कुछ लोग की प्रॉब्लम होती है वो लोग अपने मन से बातचीत नहीं कर सकते हैं ज़्यादा पहले किसी से, तो मेरे भी यही है कि हम ज़्यादा किसी से बात नहीं करते पहले, लेकिन खुद ही इतने लोग आपको मिल जाएंगे कि वो खुद ही आपसे बात करने लगेंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है। आपको बहुत ही लोग भी मिल जाएंगे और घूमने फिरने में काफ़ी आसानी भी रहती है अकेले, लेकिन घूमना ज़्यादा सही रहता है किसी और के साथ, क्योंकि उससे फ्रीडम रहती है, कहीं भी जा सकते हैं जो भी है। तो ये सब बातें तो बाद में करेंगे, फिलहाल ट्रेन बहुत अच्छी है, अभी 3:30 बजे चलेगी, अभी 1 बजा हुआ है, तब फ़ोन चार्ज कर लेते हैं।